हलवा देखने में जितना मज़ेदार है खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी से बनाया है मैंने, आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ खजूर का हलवा, जिसके लिए ये मेरे पास आधा किलो खजूरें हैं और इनकी मैं ये अंदर से गुठली निकाल लूँगी। तो ये मैंने सबकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। अब ये आधा बार सूजी है, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसको मैं जब तक रोस्ट करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए सूजी ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी अब ये आधा पाव घी लूंगी मैं। ये गर्म हो गया है तो इसमें ये चार पांच इलायचियों के दाने डाल दूंगी मैं। ये कड़कड़ा गई हैं तो अब इसमें मैं खजूरें डाल दूंगी। अब मैंने लो फ्लेम पर भूनूंगी। इनको अच्छी तरह से प्रेस कर करके भूनना है। तो तकरीबन मैंने 5 मिनट इनको भून लिया है। अब इसमें मैं ये सूजी डाल दूंगी जो भून ली थी आधा पाव, इसको मिक्स करूंगी। इसमें मैंने सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ये एक पाव खोया, फीका खोया है, ये डाल दूंगी मैं। और ये एक पाव चीनी है, ये भी डाल दूंगी मैं। वैसे तो खजूरें खुद भी मीठी हैं लेकिन इसमें फीका खोया भी डाला है और इसमें मैंने सूजी भी डाली है, इस वजह से इसमें चीनी एक पाव ही डाली है। अब इसमें चीनी पिघल रही है तो मैं चीनी का पानी खुश कर लूँगी। तो इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें से आ रही है। मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें। दूध डालने के बाद लो फ्लेम पे आप इसको अच्छी तरह से भून लीजिए, बस 3 मिनट तक भूनना है। ये देखिए अच्छी तरह से ये भून चुका है और इसका घी भी ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें ये नट्स डाल दूंगी। कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखें इसने पैन को भी छोड़ दिया है और अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना मज़ेदार सा हलवा तैयार है। यकीनन आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।